ओके सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल शैलेंद्र। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं सिग्नल प्राइवेट मैसेंजर क्या है और इसे कैसे यूज करना है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए। मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, आप लोगों को करना क्या है, सबसे पहले प्ले स्टोर ओपन करना है और यहाँ पे आपको सर्च बार में सर्च कर लेना है सिग्नल प्राइवेट मैसेंजर। इसके बाद इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद प्राइवेसी पॉलिसी रीड करना है, तो यहाँ से आप रीड भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर कंट्री आपको इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर टाइप करना है। मोबाइल नंबर टाइप करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको वेट कर लेना है 5 से 10 सेकेंड। इसके बाद आपके मोबाइल फ़ोन पे एक OTP आएंगे, OTP आपको फिल करना है। या फिर देख सकते हैं यहाँ पे ऑटोमेटिक भी फिल हो जाता है। इसके बाद यहाँ पे आपको नाम टाइप करना है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। तो फर्स्ट नेम में टाइप कर देता हूँ शैलेंद्र, लास्ट नेम में मैं कुमार टाइप कर देता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको 4 डिजिट का पिन सेट करना है, तो मैं यहाँ पे सेट कर लेता हूँ 2468। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको कंफर्म पिन करना है। इसके बाद फिर से आपको नेक्स्ट क्लिक कर देना है। यहाँ पे देख सकते हैं मेरा अकाउंट जो है क्रिएट हो चुका है। इसके बाद आपको 2 ऑप्शन देखने को मिल जाता है, फर्स्ट में आपको कैमरा का आइकन और सेकेंड में आपको एडिट का। तो सिंपल इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जिससे चैट करना है तो यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं। तो फिलहाल में मैं आपको इसे बैक करता हूँ। बैक करने के बाद हम सिंपल प्रोफाइल पर क्लिक करते हैं। प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका यहाँ नाम और इसके बाद मोबाइल नंबर शो कर रहा है। सबसे पहले आपको मैं प्रोफाइल सेट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको क्लिक करना है, इसके बाद सिंपल यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। तो यहाँ से आप फोटो यानी प्रोफाइल पे फोटो सेट कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे गैलरी फॉर चूज़ फॉर्म गैलरी या फिर फोटो पे क्लिक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट टैग फोटो पर क्लिक करता हूँ। इसके बाद डायरेक्ट मैं एक बार फोटो क्लिक कर लेता हूँ। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पे फोटो क्लिक कर लिया। फोटो क्लिक करने के बाद अपने हिसाब से यहाँ पे सेट कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे सेट कर लेता हूँ। इसके बाद राइट क्लिक पे क्लिक कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फोटो हमारा सेट हो चुका है। इसे हम सेव कर देते हैं। फर्स्ट में आपको मिल जाता है SMS पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको टर्न ऑन कर सकते हैं। इसके बाद हम इसे बैक करते हैं। बैक करने के बाद यहाँ पे नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन इनेबल कर लेना है। तो मैंने ऑलरेडी इनेबल कर चुका हूँ। इसके बाद यहाँ पे आता है आपको प्राइवेसी, तो यहाँ से आप चाहे तो यहाँ पे स्क्रीन लॉक भी लगा सकते हैं। तो सिंपल मैं यहाँ पर स्क्रीन लॉक इनेबल कर देता हूँ। बैक कर लेते हैं। बैक करने के बाद चैट एंड मीडिया पे क्लिक करना है। यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो वन बाय वन आपको रीड कर लेना है। तो इसे मैं इनेबल कर देता हूँ। यहाँ पे चैट बैकअप के भी एक ऑप्शन आ जाता है, तो यहाँ पे टर्न ऑन कर देना है आपको। तो मैं यहाँ पे इनेबल कर दिया हूँ। इसके बाद इसे हम बैक कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है स्टोरेज का, तो यहाँ पर स्टोरेज भी चेक कर सकते हैं। इसके बाद लिंक डिवाइस पर क्लिक करना है। तो यहाँ से आप जैसे कि कंप्यूटर या लैपटॉप में सिग्नल ऐप यूज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद इसे हम बैक करते हैं। इसके बाद आपको आता है हेल्प, यानी किसी भी प्रकार का यहाँ पे प्रॉब्लम आता है सिग्नल ऐप में तो यहाँ से आप प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इसके बाद एडवांस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है एडवांस पिन सेटिंग, तो यहाँ से आप पिन चाहे सेटिंग पिन चेंज करने के लिए चाह रहे तो यहाँ से पिन भी चेंज कर सकते हैं। इसके बाद इसे हम बैक करते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप सिग्नल ऐप पे स्टेटस लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ पर अभी ये फीचर्स लॉन्च नहीं किया गया है, लेकिन बहुत ही जल्द आप लोगों को अपडेट कर दिया जाएगा। इसके बाद आप सिग्नल ऐप से वीडियो कॉलिंग या फिर फोटो सेंड करना चाह रहे हैं, सिंपल क्लिक करेंगे। जिस व्यक्ति को आपको सेंड करना है सिंपल आपको नाम सर्च कर लेना है, सॉरी नंबर या फिर नाम सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद सिंपल आपको हाई पे भेज के देखता हूँ, हाई कर देते हैं। तब देख सकते हैं यहाँ से आपको सेंड हो चुका है। फोटो या वीडियो सेंड करना चाह रहे थे यहाँ से आप डायरेक्टली को मिल जाता है। सिंपल यहाँ पे सेंड करेंगे तो ये अब इमेज आपका सेंड हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं इमेज यहाँ पे सेंड हो चुका है। यदि आप वीडियो कॉलिंग करना चाह रहे थे यहाँ पे देख सकते हैं एक वीडियो कॉलिंग का आइकन देखने को मिल जाता है। तो मैं आप सिंपल स्टार्ट वीडियो कॉलिंग पे क्लिक करता हूँ और देखते हैं वीडियो कॉलिंग हो पाता है या फिर नहीं हो पाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे वीडियो कॉलिंग पे क्लिक किया हुआ, यहाँ पे वीडियो कॉलिंग स्टार्ट हो चुका है। तो सिंपल यहाँ पे स्टार्ट कॉल पे क्लिक करेंगे। जैसे ही स्टार्ट कॉल पे क्लिक करेंगे तो वीडियो कॉलिंग आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप सिग्नल ऐप यूज कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक करना, साथ ही साथ टेक्निकल शैलेंद्र चैनल को सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।